एक्सपो 2080 में कंपनियां अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। फोर व्हीलर के साथ साथ टू व्हीलर कंपनियों ने एक से बढ़कर एक बाइक ऑटो एक्सपो में पेश की हैं। इसके अलावा ऑटो एक्सपो 2018 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी टू व्हीलर मार्केट में एंट्री कर ली है। जी हाँ, प्रमुख टू व्हीलर निर्माता कंपनी यामा ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बाइक यामा R15 को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपए है। आपको बता दें, यामा R15 की फर्स्ट जनरेशन बाइक 10 साल पहले यानी 2008 में ऑटो एक्सपो में लॉन्च की गई थी। वहीं इस साल लॉन्च की गई यामा R15 दो वेरिएंट में पेश हुई है। पहले वेरिएंट में 2.0 वर्जन का है और दूसरे वेरिएंट में 3.0 वर्जन का इंजन दिया गया है। बता दें, इस बाइक में LED हेडलाइट दी गई हैं और इसमें USB चार्जर की भी सुविधा उपलब्ध है, यानी अब सफर के दौरान भी आप अपना फोन चार्ज कर पाएंगे और आपको अपना फोन डिस्चार्ज होने की कोई चिंता नहीं सताएगी। वहीं इस बाइक में लिक्विड कूलिंग और फ्यूल इंजेक्शन इंजन भी है। वायरल क्रीड़ा न्यूज़।